झारखंड के डाक की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ जारी है। उनके सीए सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है। आज सीए सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया है। सुमन कुमार के घर में ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद हुआ। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। रुपयों को गिनने के लिए नोट लगने वाली 3 मशीनें मंगवाई गई। बैंक अधिकारी मशीनों के साथ पहुंचे, नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। दरअसल झारखंड में 2009-2010 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने छापेमारी शुक्रवार को शुरू की थी। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में से एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे पर टारगेट थी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही, देर रात तक यह सिलसिला चला।